सदर कोतवाली के परासी गांव में रहने वाले 70 वर्षीय गौरी शंकर चौधरी को उनका ही बेटा विजय प्रकाश चौधरी ने प्रॉपर्टी के विवाद में पहले जमकर पीटा, फिर पेट में चाकू घोंप कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, अपनी मां और भाभी पर भी चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर डॉक्टरों ने गौरी शंकर चौधरी को मृत घोषित कर दिया। उनकी डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बाकी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एसएसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि परासी गांव में गौरी शंकर की हत्या की सूचना मिली, जिस पर मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जांच में ये बात सामने आई है कि मृतक गौरी शंकर ने कुछ दिन पहले 2 बीसा जमीन 15 लाख में बेची थी। अभियुक्त विजय उसमें से हिस्सा मांग रहा था, लेकिन वह पूरा धन अपने छोटे बेटे सत्य प्रकाश को देना चाहते थे। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और बड़े बेटे विजय ने अपने पिता गौरी शंकर को चाकू मार कर उनकी हत्या कर दी। अब पहले से मतलब उसको था थोड़ा बहुत। किस बात को, प्रॉपर्टी को लेकर? नहीं, वो बोला है मेरे कॉल के से बात करो। हाँ दादा, कहीं ठीक है, मतलब लिखा बनाई देती है। उसके बाद भी मतलब हम प्रासी जो थाना कोतवाली का गाँव है, इसमें एक हत्या हुई है, जिसमें गौरी शंकर चौधरी नामक व्यक्ति मृत हुई है। सभी लोगों ने मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और सी ओ सिटी इंस्पेक्टर साहब सभी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो प्रथम तथ्य ये सामने आया कि मृतक गौरी शंकर ने 2 बीसवा जमीन कुछ दिन पहले लगभग 15 लाख रुपये में बेची थी, और बड़ा पुत्र उसमें से हिस्सा मांग रहा था, लेकिन वो संपूर्ण धन अपने छोटे पुत्र सत्यप्रकाश को देना चाहते थे। इसी को लेकर के दोनों भाइयों में और उनके पिता के बीच विवाद चल रहा था। आज इस बात को लेकर पुनः विवाद हुआ और उनके बड़े लड़के विजय प्रकाश ने चाकू से प्रहार करके अपने पिता की हत्या कर दी, और जो गंभीर रूप से मौके पर चोटिल हो गए थे, इनको जहाँ अस्पताल लाया गया जहाँ इनकी मृत्यु हो गई है। और माँ सुभावती देवी को भी चोटें आई हैं, और उनके छोटे भाई की पत्नी मंजू देवी को भी चोटें आई हैं, जिनकी हालत स्थिर और ठीक बताई जा रही है, जिनका यहाँ उपचार चल रहा है, और हम लोग अभी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं, और इनके परिजनों द्वारा अभी तहरीर नहीं दी गई है। इनकी तहरीर पर इसमें अभियोग दर्ज कर इसमें विधि कार्रवाई की। ठीक। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।